सबसे पहले हमने गैस पे एक कुकर रख लिया है, तेल अपना अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे खड़ी इलायची, यानी कि हमने चार खड़ी इलायची लिया है बड़ी वाली, जिसे हमने तोड़ रखा है, उसका मुंह खुल चुका है। दो हम दालचीनी स्टिक लिए हैं, 6 से 7 तेज पत्ती लिए हैं, 10-12 लौंग, 12-15 अपनी काली मिर्च है। इससे चिकन बहुत ही टेस्टी बनता है। तो अब हम इसे गर्म तेल में डालेंगे। ध्यान रहे इस टाइम हमने फ्लेम स्लो कर दिया है, नहीं तो अपना फोड़न जलने लगता है। सभी फोड़न से चटनी की आवाज आने लगी है। अब हम इसमें डालेंगे अपना कटा हुआ प्याज। इस प्याज को चलाते हुए करीबन 7 से 8 मिनट तक भूनेंगे। आप देख सकते हैं अपनी प्याज जो है सॉफ्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे हम बटर के 4 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे। प्याज के साथ इसे भी 5 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। यहाँ पे हम 2 चम्मच हल्दी डालेंगे, 4 चम्मच धनिया पाउडर, ये कलर वाली मिर्च है तो हम 6 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं। अब हम मसाला को भी 3 से 4 मिनट तक चलाते हुए प्याज के साथ भून लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने प्याज के साथ अपना मसाला भून लिया है, तेल छोड़ दिया है। इस स्टेज पे हम डालेंगे चिकन। तो यहाँ पे हमने 1 किलो चिकन लिया है, जिसे हमने 5 मिनट तक भून लिया है। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। तो चलिए हम एक बार आपको मिक्स करके दिखा दे रहे हैं। आप देख सकते हैं हमने अलग से पानी नहीं डाला था। अपनी प्याज गल के चिकन के पानी के साथ कितने अच्छे से यानी कि पक चुकी है।